वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बकरायत स्पेशल बिल्कुल आसान तरीके से मटन महाराजा की रेसिपी शेयर करूंगी। और जैसा कि इसका नाम है मटन महाराजा, इसी से आप समझ गए होंगे कि इसका ताल्लुक शाही रसोई से है। ये मैंने आधा किलो मटन को अच्छी तरह से धो लिया है, इसे कुकर में डाल देंगे। यहाँ मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज, चार हरी मिर्चें, चार सूखी लाल मिर्चें, 8 से 9 बादाम, 2 लहसुन की पूरी काट ली है, बड़ी है तो एक ले लें। लहसुन देखकर अच्छा लें, इसमें कोई भी खराब कली ना हो। और 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है, सबको कुकर में डाल देंगे। अब एक तेज पत्ता, 5 से 6 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च भी ऐड कर देंगे। अब 1 कप पानी ऐड करेंगे, साथ ही मैं आधा छोटा चम्मच नमक भी ऐड कर लें, मैं यहाँ ऐड करना भूल गई हूँ। अब कुकर का ढक्कन लगाकर सिर्फ 2 सीटियाँ लेंगे। 2 सीटियाँ लगाने के बाद मटन, मटन के पानी और प्याज लहसुन अदरक मिर्च को अलग अलग निकाल लेंगे। प्याज अदरक लहसुन मिर्चें और बादाम को ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मटन फ्राई करेंगे। मटन अभी 80-90% तक गला है, इसे अभी इतना ही गलाना था। और मटन स्टॉक को ढककर साइड में रख लेंगे। अब कुकर गरम करके इसका पानी सुखा लेंगे और 2 बड़े चम्मच तेल में 1 बड़ा चम्मच घी डालकर गरम करेंगे। तेल अच्छे से गरम हो जाए तो मटन के पीसेस डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। मटन का कलर लाइट गोल्डन हो गया है, अब इसे बाहर निकाल लेंगे। मिक्सर में मैंने प्याज अदरक बादाम मिर्च को डाल दिया है, इसमें लहसुन की गांठ को इस तरह से स्क्वीज करके इसका पल्प निकाल लेंगे और छिलका फेंक देंगे। अब सबको पहले बिना पानी डाले पीसेंगे और फिर थोड़ा सा पानी डालकर स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब कुकर में 1 बड़ा चम्मच तेल और 1 छोटा चम्मच घी और ऐड करके गरम करेंगे। तेल गरम हो जाए तो 1 छोटा चम्मच शाहजीरा, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 हरी इलायची और 1 बड़ी इलायची डालेंगे। लौंग, तेजपत्ता और काली मिर्च मटन उबालते वक्त पहले ही डाला था, इसलिए अभी ऐड नहीं कर रही हूँ। जीरा तड़क जाए तो 1 मीडियम साइज़ की प्याज को पतले स्लाइस में कट करके डालेंगे और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। तो इस तरह से प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे। ड्राई मसाले में 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इससे रंग बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ मैं तीखी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमने हरी मिर्ची और सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल पहले ही किया है। और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करेंगे। अगर उबालते वक्त आपने नमक ऐड किया है तो अभी नमक इसमें ध्यान से डालें। मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें ये पिसा हुआ मसाला ऐड कर देंगे। अब मिक्सर में थोड़ा सा पानी डालकर लगा हुआ मसाला भी पूरा ले लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भुनेंगे जब तक कि तेल अलग होना शुरू नहीं हो जाता। इसे कवर करते हुए भुनेंगे ताकि छींटे बाहर ना आए, और थोड़ी थोड़ी देर में इसे चलाते रहेंगे ताकि मसाला तले पर लगे नहीं। तेल अलग होना शुरू हो गया है, अब इसमें 1/2 कप फेटा हुआ दही ऐड करेंगे और दही डालते ही इसे तुरंत चलाएँ। अब इस मसाले को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक कि तेल अच्छे से अलग नहीं हो जाता। मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे भूनते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं, तेल अच्छी तरह से अलग हो गया है और मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसाले को अच्छी तरह से भुनना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें मटन के पीसेस और 1 नींबू का रस डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें मटन का पानी ऐड करके मिक्स करेंगे। इस स्टेज पर आप नमक और मिर्च को टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रहा है तो आप ऐड कर लें। अब कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी और ले लेंगे और प्रेशर को निकल जाने देंगे, जिससे मटन पूरी तरह से गल जाएगा। तो 1 सीटी हो गई है और तरी बहुत ही अच्छे से ऊपर आ गई है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे। यहाँ 1 बड़े चम्मच दूध में मैंने 1/4 टीस्पून ज़ाफ़रान को 1 घंटे पहले भिगो दिया था, इससे ग्रेवी में बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा एसेंस की ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करना है। अब मीडियम फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट उबलने देंगे। इसे उबलते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे। तो ये गर्मा गर्म शाही मटन महाराजा बनकर तैयार है। इसे गर्मा गर्म रुमाली रोटी, नान या फिर सादी रोटी के भी साथ खाएंगे, ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो इस बकरा ईद पर ये शाही मटन महाराजा ज़रूर बनाइए, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए।